ये है कविता दीदी। अब जब ये अनलॉक शुरू हो गया है तो ऐसे में कविता ने भी खुद को सुरक्षित रखने के ढंग अपनी जीवन शैली में अपनाए हैं। कविता हमेशा अपने मुंह और नाक को ढकते हुए मास्क पहनती है, दूसरों से गले मिलने के बजाय दूर से नमस्ते करती है और हमेशा औरों से 2 गज यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखती है। वो ध्यान रखती है कि वो अपने मुंह, आंखें व नाक बार बार ना छुएं। कविता भीड़ भड़ाके वाली जगहों या दुकानों पर नहीं जाती और जहां तक हो सके भुगतान ऑनलाइन ऐप से करती है। घर लौटने पर सबसे पहले कविता अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोती है। रोजाना डिसइंफेक्टेंट से फर्श, दरवाजे, खिड़की, कुंडे और अन्य सतहों को साफ करती है। इसके अलावा फल व सब्जियां घर पर लाने के बाद अच्छी तरह से धोती है। कविता जानती है अपने मन की बात एक दूसरे से साझा करके ही अपना और दूसरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। कविता समझती है कि मास्क पहनकर राशन खरीदते समय या सार्वजनिक स्थानों पर उचित शारीरिक दूरी का पालन कर किसी भी तरह की पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन ना कर या ना जाकर ही वो स्वयं के, अपने परिवार के और आस पड़ोस के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं। कविता को पता है कि यदि घर में किसी को भी कोविड के लक्षण हो या होने का शक हो तो डरने की जरूरत नहीं। ऐसे में जरूरत है तुरंत अपने परिवार वालों की व अपनी जांच कराने की। क्या आप भी कविता की तरह इन सावधानियों को अपना कर खुद को, अपने परिवार व आस पड़ोस को सुरक्षित बनाएंगे? याद रखें, जब बदलेंगे ढंग तभी जीतेंगे कोविड से ये जंग।